नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं बंधन बैंक लिमिटेड के। 255 का स्टॉक है और 1.5% की गिरावट स्टॉक में हुई है। स्टॉक में लगातार भारी गिरावट देखने को मिली है, बट ऐसा नहीं है कि स्टॉक में या कंपनी में कोई खास रिकवरी पैटर्न या फिर बड़ी खबरें नहीं है। टाटा मोटर्स के साथ एक बड़ी डील हुई है बंधन बैंक की, चर्चा करेंगे उस डील के बारे में। साथ ही बात करेंगे क्या यहाँ पर कोई सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है, खरीदारी करनी है, रुकना है स्टॉक से या निकल जाना है। जब भी स्टॉक में इस तरह से भारी गिरावट लगातार जारी रहती है, एक प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि कोई भी स्ट्रेटजी आप लेकर के काम करो वो काम नहीं आती। और स्पेसिफिकली अगर आप बंधन बैंक की बात करो तो अपर एंड से जब फिसलना स्टार्ट हुआ साल के शुरुआत में ही, तो ही यहाँ पे बिकवाली करना था आपको, बट अगर आप तब नहीं कर पाए क्योंकि तभी बड़ी खबरें बुरी खबरें आ रही थी यहाँ पे, अभी यहाँ पर बहुत सारे इन्वेस्टर जो है वो फंस चुके हैं। अच्छी खबरें हैं, बात करेंगे उसके बारे में, चिंता ना करो, तुम्हारा भाई आया है बता के जाएगा। साथ में ही बात करेंगे हम बाजार के भी, बाजार में हुई है गिरावट और साथ में ही चर्चा होगी। देखिए बाजार जब तक स्टेबलाइज नहीं होता है तब तक आपको बंधन बैंक जैसे स्टॉक हो, पीएनबी हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, अच्छे स्टॉक हो, खराब स्टॉक्स हो, आपको सभी में गिरावट एक बराबर देखने को मिलेगी। तो क्या कारण है बाजार की गिरावट के पीछे, बंधन बैंक में क्या है अच्छी अपडेट, सभी की होगी चर्चा। चलिए स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं देखिए बाजार की, क्योंकि बाजार की वजह से बहुत सारे स्टॉक्स में गिरावट है। आप ऑटो सेक्टर देख लो, टेक्सटाइल हो, मेटल्स हो या बैंकिंग सेक्टर हो, सभी में एक बराबर आपको गिरावट देखने को मिलेगी। शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी, 3 दिन रिकवरी पैटर्न बनाया बाजार ने, उसके बाद फ्राइडे को आते आते अपना रंग दिखाया अंततः और बाजार में हुई बुरी गिरावट। प्रॉब्लम यहाँ पे जो है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बैंकिंग स्पेस के लिए। बैंक निफ्टी यहाँ पे 41,000 का हाई लगा करके 34,000 पे आकर के रुकता है अक्सर। ये अब थर्सडे को 35,000 के ऊपर निकला था बैंक निफ्टी आपका, वहां पर लगा था कि बाजार डिफेंड करेगा उस लेवल को, बट फ्राइडे को 34,857 पे क्लोजिंग आई, आप देख सकते हो 350 पॉइंट्स डाउन रहा 1% के करीब में। अगर आप बाकी स्पेस की बात करो, बाकी इंडेक्सेस की बात करोगे तो ओवरऑल सभी में गिरावट है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैंक निफ्टी फिसला है आपका, बट जो गिरावट यहाँ पर देखने को मिलती है रिकवरी यहाँ पर उतनी फास्ट आती नहीं है जितनी तेजी से गिरावट होती है। वहीं पर निफ्टी फिफ्टी की बात करो, 18,600 के आसपास का हाई लगाया था लास्ट टाइम हाई, और वहां से 17,000 पे रुका हुआ है अभी भी। तो बहुत ज्यादा गिरावट निफ्टी फिफ्टी में नहीं है क्योंकि रिकवरी भी उतनी ही तेजी से यहाँ पर आती है, बट अगर आप बैंकिंग स्पेस की बात करोगे यहाँ पर वो रिकवरी पैटर्न देखने को नहीं मिलता है। अभी के लिए खबर यही है आपके लिए कि बाजार जब तक अनसस्टेनेबल जोन में है, जब तक बाजार वॉलिटाइल है, तब तक बंधन बैंक हो या कोई और स्पेस होगा, कोई और स्टॉक होगा, गिरावट होगी। तो समझते हैं कि बाजार कब तक स्टेबलाइज होता हुआ दिखाई देता है। सबसे पहले आप देखो कि जो सपोर्ट है वो 16,200 के आसपास बना हुआ है। 17,000 एक साइकोलॉजिकल मार्क है जहां बाजार सस्टेन कर रहा है, 17,600 का एक मार्क है आपका, जहां से बाजार अगर ऊपर निकलता है तो वो एक अच्छा जोन बनेगा और उसके बाद बाजार में एक अच्छी रैली आपको आती हुई दिखाई देगी। अभी के लिए वेट करना है 17,600 को क्रॉस करने के लिए। बाजार जब तक 17,600 के नीचे है न्यूट्रल रहो बाजार को लेकर के। अगर ये नीचे आता है 16,200 के लेवल्स भी आपको देखने को मिलेंगे। रीजन क्या है उसके पीछे की, FIA और DII जो है वो दोनों ही बुरी तरह से बिकवाली में है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि DII आर द बिग टाइम मैनिपुलेटर, और यहाँ पे अगर DII मैनिपुलेट करते हैं ये बाजार को, इन्होंने काफी टाइम संभाला बाजार को, बट एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पर DII ने भी बिकवाली करना स्टार्ट कर दिया है। फ्राइडे को 43 करोड़ के आसपास की यहाँ पर बिकवाली हुई है DII की तरफ से। FII जो लगातार अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया और दिसंबर एंड होने वाला है, लगातार बिकवाली में 715 करोड़ के आसपास की बिकवाली यहाँ पर FII की तरफ से आई है। ओवरऑल बाजार में दोनों ही तरफ से बिकवाली है, ऐसे में बाजार में गिरावट की संभावना अभी भी बनी हुई है। तो 16,200 के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे, तो उसके लिए रेडी रहना है। अच्छा, एक और चीज समझना पड़ेगा आपको कि बाजार में अगर 16,200 के लेवल आते भी हैं तो दैट डजंट मीन कि आपको यहाँ पर बाजार से निकलना है, बेचना है अपने पोर्टफोलियो को, नहीं। अगर कोई ओवर वैल्यूड स्टॉक्स है आपके पोर्टफोलियो में तो उसको निकाल दो, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट अगर अंडर परफॉर्मिंग है, अंडर वैल्यूड स्टॉक्स है लाइक बंधन बैंक जो साल के शुरुआत से ही गिरावट में है, कोई बड़ी रैली यहाँ पर नहीं आई है, तो यहाँ पर इसको होल्ड किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर होल्ड करने की मेरी आपको सलाह रहेगी, होल्ड करो अभी स्टॉक्स को, बहुत ज्यादा जल्दीबाजी में निकालना नहीं है। पर जहां तक बात रही बाजार की, बाजार को लेकर के थोड़ा सा सतर्क जरूर रहना है आपको। RSI आपका 51 का हो चुका है, न्यूट्रल RSI है। आप बात करो मैग्डी की, मैग्डी आपका स्ट्रॉन्गली बेयरिश जोन में है, हिस्टोग्राम आपके डाउन साइड बन रहे हैं। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो बाजार का जो चार्ट पैटर्न है न्यूट्रल टू बेयरिश है, या तो इस जोन में रहेगा या तो थोड़ा सा नीचे आ सकता है आपका, तो उसी के हिसाब से अपनी जो ट्रेडिंग पैटर्न है उसको फॉलो अप करना है। अब बात करें बंधन बैंक की, देखो बंधन बैंक में जैसा मैंने आपको दिखाया अभी, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी बुरी तरह से साल की शुरुआत से ही गिरावट देखने को मिली है। अभी प्रॉब्लम ये है कि बाजार में आगे गिरावट और होनी है, साल खत्म होने वाला है और बंधन बैंक ने रिटर्न तो कुछ नहीं दिया है, बाकी कैपिटल बहुत यहाँ पर वाइप आउट कर दी है आपकी, तो ऐसे में डिसीजन लेना पड़ेगा कि करना क्या है। एक अच्छा सपोर्ट लेवल था आपका अराउंड दिस पॉइंट, यानी कि 280-285 के आसपास का एक अच्छा सपोर्ट लेवल, लगातार जो स्टॉक रहा है आपका वो एक बार यहाँ से बाउंस बैक दिखाया है,
दोबारा यहां से भी बाउंस बैक आया था आपके स्टॉक में। तीसरी बार डबल बॉटम बनाने के बाद स्टॉक ने ब्रेक डाउन दिया है और नीचे आ गया है आपका स्टॉक, ठीक है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम रही है। अभी के लिए अगर आप देखोगे तो मार्केट इंड्यूस्ड गिरावट यहाँ पर आगे भी आ सकती है आपके लिए, तो कहाँ पर सपोर्ट है उसकी बात करते हैं। अभी के लिए आपको सपोर्ट जो बंधन बैंक में मिल रहा है दैट इज अराउंड रुपीज, यहाँ पर लेट मी मार्क दिस, यहाँ पर अराउंड 200-210 के आसपास का आपको एक अच्छा सपोर्ट, 215-210 के आसपास का आपको एक अच्छा सपोर्ट लेवल देखने को मिलेगा। अब बहुत ज्यादा मैं बेटिंग नहीं करूंगा इस स्टॉक पे इस समय पे, रीजन बीइंग कि स्टॉक में ऑलरेडी बहुत गिरावट हो चुकी है, बहुत अंडरवैल्यूड हो चुका है। अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करो तो यहाँ पर FII की होल्डिंग लगातार बढ़ी जरूर है, बट क्योंकि FII बहुत वोलेटिलिटी में है और खरीदारी के, देखिए आप यहाँ पे अगर आप देखोगे 33-34% के आसपास की अभी भी शेयर होल्डिंग जो है वो FII के हाथ में है। म्यूचुअल फंड ने अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाया सितंबर क्वार्टर में, तो एक बड़ी शेयर होल्डिंग जो है वो FII होल्ड जरूर करते हैं, बट इनके ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा मैं नहीं कर सकते समय पे। रीजन बीइंग कि ये लोग लगातार बिकवाले में है और US मार्केट में इन्फ्लेशन काफी तेजी से बढ़ा है, यूरोप में ओमिक्रॉन बढ़ रहा है, ऐसे में आप विदेशी लोगों के ऊपर यानी FII FPI के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करके निवेश नहीं कर सकते हो। तो अभी इस समय बाइंग करने की मेरी आपको सलाह नहीं रहेगी। जहां तक बात रही बंधन बैंक में, तो सपोर्ट लेके चलो अभी समय पे, और अगर आप टारगेट की बात करते हो फर्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर है 347-350 के आसपास का आपको पहला रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा। स्टॉक ठीक है, स्टॉक में कोई बुराई नहीं है, बट जो सपोर्ट था वो भी रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। 280 क्रॉस करता है तो 350 के लेवल आपको आते हुए दिखाई देंगे। स्टॉक 37 का RSI बना चुका है, तो मंडे को आपको एक अच्छा बाउंस बैक भी आता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ पे RSI काफी ओवरसोल्ड जोन में है, तो थोड़ा सा यहाँ पे बाउंस बैक की उम्मीद आप रखो, क्योंकि स्टॉक आपका ऑलरेडी ओवरसोल्ड जोन में गया है। अभी के लिए बाउंस बैक उम्मीद रख करके चलो। यहाँ पे शॉर्ट टर्म पुल बैक आता है, अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए निवेश किया हुआ है कोई, अगर 90 मूविंग एवरेज 20 मूविंग एवरेज के आसपास में यानी 300 रुपए के करीब में अगर आपने खरीदारी की है तो 300 रुपए तक के लेवल आते ही निकलने की राय मेरी रहेगी आपको यहाँ पे। पर अगर आप थोड़ा लंबा रुक सकते हो कि आपने टाइम फ्रेम रखा है कि हाँ 2 महीने 3 महीने 6 महीने साल भर में यहाँ पर रुक सकता हूँ, तो बंधन बैंक में आप रुको यहाँ पे, क्योंकि कंपनी अच्छी है। एक बार मार्केट स्टेबलाइज हो जाए बैंकिंग का स्पेस आपको सबसे ज्यादा रिटर्न देता है, तो इसीलिए रुकने की मेरी सलाह आपको रहेगी। बाकी बात रही खबर की, टाटा मोटर्स ने वेंसडे को अनाउंस करा यहाँ पे कि इन्होंने बंधन बैंक के साथ एक बड़ी पार्टनरशिप की है रिटेल फाइनेंस को लेकर के, जिनका पैसेंजर व्हीकल उसको फाइनेंसिंग के लिए इन्होंने बंधन बैंक से टाइप किया है। एज पार्ट ऑफ द टाइप बंधन बैंक विल प्रोवाइड लोन्स प्रोवाइड करेगा टाटा मोटर्स के कस्टमर्स को, इंटरेस्ट रेट होगा आपका 7.5%, सबसे कम बेहतरीन यहाँ पर इंटरेस्ट रेट आपको देखने को मिल रहा है। द स्कीम विल ऑफर अ मैक्सिमम 90% फाइनेंसिंग ऑन द टोटल ऑन रोड कॉस्ट, 90% आप फाइनेंसिंग यहाँ पर करवा सकते हो, यानी 10% पैसा देकर के आप 90% का लोन यहाँ पर ले सकते हो। कस्टमर्स कैन ऑल्सो एंजॉय अ बेनिफिट ऑफ स्पेशल EMI ऑप्शन विद अ रीपेमेंट टेन्योर ऑफ अप टू 7 ईयर्स, एंड द बैंक हैज ऑल्सो डिजाइंड एक्स्ट्रा सर्टेन एक्सक्लूसिव फीचर्स लाइक 0 चार्जेज ऑन फोरक्लोजर एंड पार्ट पेमेंट, टाटा मोटर्स सेड। तो टाटा मोटर्स के लिए भी अच्छी खबर है, साथ में बंधन बैंक के इन्वेस्टर्स के लिए भी ये काफी अच्छी खबर है। मुझे लगता है कि अगर आपने निवेश किया हुआ है टाटा मोटर्स या बंधन बैंक में, दोनों ही स्टॉक इस समय थोड़ी गिरावट में जरूर है, पर जल्द ही आपको दोनों में रैली देखने को मिलेगी। 7.5% का इंटरेस्ट रेट पे करना है इसमें अगर आप लोन लेते हो इनसे, तो साथ में 90% फाइनेंसिंग है आपको ऑन रोड फाइनेंसिंग कॉस्ट में देखने को मिलेगी। तो खबर अच्छी है, बंधन बैंक लगातार अच्छी पार्टनरशिप कर रहा है, टाई अप्स कर रहा है, टाटा मोटर्स एक बड़ी कंपनी है, अगर उनसे टाई अप हुआ है तो यहाँ पर आपको सूनर और लेटर बहुत अच्छी रैली की उम्मीद रखनी चाहिए। होल्ड करने की सलाह मेरी आपको यहाँ पर रहेगी। बाकी लास्ट कॉल ऑलवेज भी यूज का है आपके सारे स्टॉक को लेकर, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब के बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस प्लीज कमेंट बिलो, अगर कुछ पूछना हो तो।